आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे, आम जनता से जुड़े रहेंगे। आपके सपनों का भारत कैसा हो, इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। विभिन्न सर्विस के आप सभी 455 प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस एकेडमी का मोटो दिखा ही होगा, शीलंग परम भूषणम, अर्थात कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वैल्यू। आपके प्रशिक्षण की पद्धति कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर की बड़ी महत्ता है। हमारे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा का भाव रखने को कहा था। मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ। आपको समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए संवेदनाशील रखनी होगी। एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी ही एक सिविल सर्वेंट्स का आभूषण है। यही गुण आपको पूरी सेवा अवधि में आत्मबल देंगे। आप अपने प्रशिक्षण के दौरान जिन मूल्यों से अवगत हुए हैं, ये मूल्य सिर्फ सैद्धांतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता के लिए काम करते समय आपके सामने अनेक चुनौतियां और कठिनाई आपके सामने आएंगे। उन परिस्थितियों में आपको इन मूल्यों का अनुसरण करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। भारत को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करना, देशवासियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना आप सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक अंतर्दायित्व भी है। समाज के हित का कोई भी कार्य सभी कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब सभी भागीदारों का साथ लेकर चला जाए। समाज के सभी वर्गों और समुदाय की भागीदारी से किया गया कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आप समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों के ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान, आप मुझे आते हुए बता रहे थे, आज की आज़ादी के अंत्योदय तक अभियान के तहत पूरे देश में 75 गांव में आप समय बिताए। साथ ही आपने उन गांव में अमृत सरोवर का भी निर्माण किया है। ये सभी गांव ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के गांव हैं जिन्होंने किसी नाम और ख्याति की इच्छा किए बिना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपको उन महान आत्माओं से प्रेरणा लेते हुए एक आम आदमी बनकर देश की सेवा करनी है। अपने गांव में प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नजदीक से देखा, वहां के लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। आज जनता जागरूक है और गुड गवर्नेंस समय की मांग है। गुड गवर्नेंस का अभाव हमारी अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। लोगों से जुड़ने से के लिए आपको विनम्र बनना होगा। सभी आप अनेक उनके साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे, उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे।
मुझे ये देखकर हर्षित हो रही है कि प्रशिक्षु अधिकारियों की इस बेस में 133 बेटियां हैं। हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेषकर बेटियों से अपील करूंगी कि आप अपनी सेवा के दौरान जहां भी रहें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जो हमारे बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में आगे आएंगे तो हमारा देश और समाज सशक्त बनेगा। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, मैं आज आपसे वर्तमान समय के एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करना चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आप सब से मेरी अपील है कि भारत सरकार पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी जो भी कदम उठा रही है उसके पूरी तरह से लागू करें, जिससे हमारे आने वाले कल सुरक्षित हो सके। मुझे विश्वास है कि जहां प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों ने अकादमी गीत की भावनाओं को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया होगा और ये गीत आपके लिए निरंतर प्रेरणा का शर्त बना रहेगा। मेरा मानना है कि आप रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत सिर डरो ना की भावना के साथ मौसूरी बालों कर्मयोगी के रूप में देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार और समर्थ है। आपकी इस यात्रा में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, आप आजादी के अमृत काल में सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 वर्ष में आप लोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए नीति निर्माण और उसे लागू करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मैंने इस एकेडमी में वाकुए ऑफ सर्विस का उद्घाटन किया, जहां प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए उनके राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन टाइम कैप्सूल्स को वर्ष 2047 में उन अधिकारियों द्वारा स्वयं खोला जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों को कैप्सूल में रखा है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस टाइम कैप्सूल में हमारे देश को इसके आज़ादी के शताब्दी वर्षों तक आधुनिक, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा ही होगा। मेरा विश्वास और मेरी आपसे अपील है कि आप स्वयं निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों को सदा याद रखें और उनको पूरा करने में निष्ठापूर्वक जुड़े रहें। ताकि जब आप वर्ष 247 में टाइम कैप्सूल को खोले 2047 में टाइम कैप्सूल खोले तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने का गर्व हो और संतुष्ट भी। आज मुझे पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे। क्योंकि यहाँ देश के बनाने वाला इंजीनियरिंग को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं इंजीनियर आपको इसीलिए कहती हूँ, आप
चीफ इंजीनियर भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, क्योंकि आप देश को बनाते हैं, सशक्त करते हैं। मैं खुश हूं कि आप गांव गांव गई, गांव के लोगों की खूबियां, उनके कमियां क्या है, और उनके अंदर जो भावना है उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित आपने अनुभव किए। मुझे लगता है ये जो अनुभूति आगे जाकर आप जो देश के कोई चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, कोई क्या ऑफिसर बनेंगे, देश को आगे लेने के लिए बहुत सारे स्कीमें बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मुझे लगता है वो काम में आए। आज मैं खुश हूँ कि केवल आपको एक किताब के अंदर सीमित नहीं किया गया। मैं डायरेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारत के धरोहर केवल मानव विकास में नहीं है, मानव विकास से जुड़ी बहुत सारे चीजें हैं, पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, पशु पक्षी, खेल कूद, नाच संगीत, कितने चीजें हैं, संस्कृति परंपरा, ये सब चीजें हम देश को बनाएंगे तो ये सब चीजों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे तो देश का ये विकास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश को कैसे स्वस्थ बनाएंगे, इसीलिए आपको फिटनेस का, योग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। आपको जो बहुत सारे मंत्र सिखा गया है उसी को मुझे लगता है जीवन का ये मूल मंत्र बनाएंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में उसका आपका ध्येय होगा। मुझे लगता है इसी तरह के प्रशिक्षण दिया जाएगा तो देश का भविष्य, जो भारत के प्रधानमंत्री जो सपने देखते हैं 2047 में, ये एक महान देश, महान राष्ट्र, ये सबसे ऊपर राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र बने, मुझे लगता है जरूर बने। इसी के साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। VK News, राष्ट्र के नाम।